आज मैं आप लोग से एक नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने सूजी से बनाया है। जो सूजी हम लोग उपमा में यूज़ करते हैं वो सूजी से मैंने ये सेव की रेसिपी बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी, खाने में तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी बनने वाली ये रेसिपी है। चलिए बनाते हैं रेसिपी को। आप इसे एयरटाइट डब्बे में रख के कितने दिन भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही कुरकुरी रहती है और बहुत ही टेस्टी। मैंने इसे सेव से मैंने मिक्सचर बनाया। आप चाहे तो खाली आप इसे सेव बना के भी खा सकते हैं। चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ और मैंने इसमें मखाना और कुछ ड्राई फ्रूट ऐड किया है, ऑप्शनल है। आपको अगर ना पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए बहुत सारे कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी में लिया है सूजी, 200 ग्राम के करीब है ये सूजी। आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने सेम उसी बर्तन में मैंने ये बॉयल वाटर लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल और थोड़ा नमक डाली हूँ मैं, और थोड़ा सा खाने का सोडा बिल्कुल चुटकी भर, और थोड़ा सा अजवाइन मैं डाल रही हूँ। तीखापन के लिए थोड़ा सा मैं मिर्ची पाउडर डाली हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और ये बॉयल वाटर से इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। सूजी पानी एब्जॉर्ब करता है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ मैं, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए इसे मैं रख दूँगी अच्छे से ये भीगने के लिए। देखिए एक तरफ ये सूजी भीग रहा है और दूसरी तरफ मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने तेल लिया है और ज़्यादा ही तेल लिया है मैं, उसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। मैंने सरसों जीरा डाला है, फिर बादाम डाली हूँ, किशमिश डाल रही हूँ, काजू डाली हूँ। इसे मैं फ्राई कर लूँगी। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं इसे, खाली मूँगफली भी डाल के बना सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने अभी मूँगफली डाला, इसे मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। किशमिश को मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि ये फ्राई हो चुका है। अब मैंने थोड़ा सा फ्राई वाला और थोड़ा सा मैं मूंगफली डाली। अब मैं करी पत्ता डाली हूँ, थोड़ा सा मैं खसखस डाली हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खसखस से। और मैं नमक डाली हूँ, हल्का सा नमक डाली हूँ मैं। और उसे अच्छा सा फ्राई करके इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। खसखस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो खसखस को आप स्किप मत कीजिएगा। अब मैं आलू ले रही हूँ, मैंने 3 बॉयल आलू ली है, लेके मैं उसे अच्छा सा कद्दूकस कर लूँगी। सूजी एक तरफ भीग रहा है, जब तक वो अच्छे से भीग जाए तब तक इस रेसिपी को इस तरह से तैयार कर लेंगे। अभी मैं आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। अच्छा से मैश कर ली। कद्दूकस करने से थोड़ा सा भी गुठली नहीं रहते हैं, इसलिए मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। हाथ से मैश करने में थोड़ा सा गुठली उठली रह जाता है, फिर इसे सेव बनाने में हमको दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसे कद्दूकस कर ली। देखिए सूजी भी अच्छे से भीग चुका है, अच्छा सा मसल लेंगे। अब मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ। आलू डाल के इसे मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने मिर्ची पाउडर लिया है। आपको तीखा ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं मिर्ची पाउडर को। ऐसे अच्छे से गूँथ लेंगे, अच्छे से मैश करके इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। अब मैंने ये सेव वाला सांचा लिया है जिसमें मैं अच्छे से तेल लगा लूँगी, और एक बारीक वाला सांचा लिया हूँ मैं। आप चाहे तो मोटा वाला भी ले सकते हैं। पूरे बैटर को इसमें डाल देंगे। मैं थोड़ा सा गैप रखी हूँ ताकि इसे बनाने में इजी हो। अब एक तरफ तेल गरम हो रहा है, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसे सेव के आकार में इसे मैं छानती जा रही हूँ। फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है क्योंकि बहुत जल्दी लाल हो जाता है सूजी, इसलिए फ्लेम को मीडियम रख के लो टू मीडियम करते रहिए फ्लेम को, करके फिर आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, खा के कोई भी नहीं बता सकता है कि आप इसे सूजी से बनाए हैं। कुछ अच्छा डिफरेंट टेस्ट रहता है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैं इसे सबको ऐसे छान के निकाल लूँगी।
दो तीन बैचेस में मैं इसे अच्छे से छान के निकाल लूँगी। अभी एक प्लेट में निकाल के मैं ठंडा कर चुकी हूँ। ठंडा होने के बाद इसे मैं तोड़ लूँगी, हाथ के सहारे से इसे मैं तोड़ लूँगी। आप चाहे तो इस स्टेज में भी ऐसे भी आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। ये कितना कुरकुरा बना है। अब मैं ये फ्राई किया हुआ मखाना डाल रही हूँ। मैंने घी में से फ्राई कर लिया था खाना, और उसके बाद जो हम लोग ने ड्राई फ्रूट वगैरह जो हम लोग फ्राई किए थे उसे मैं इसमें ऐड कर ली। थोड़ा सा चीनी डाली हूँ मैं ऊपर से, थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ मैं, नमक डाल रही हूँ हल्का सा, थोड़ा सा चाट मसाला डाली हूँ, हल्का सा गरम मसाला डाली हूँ मैं, और थोड़ा सा खसखस और थोड़ा सा डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर में और थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसके बाद अच्छे से इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हाथों के सहारे से इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस ये बन चुका है सूजी से बनी ये सेव की रेसिपी, जिसे मैंने मिक्सचर बनाया है उसे, और बहुत ही टेस्टी। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, ऐसे भी किसी भी टाइम खा सकते हैं, बिल्कुल बोरियत नहीं लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। चलिए इसे मैं अच्छा सा मिक्स कर ली हूँ। मिक्स करके इसे तो मैं एयरटाइट डब्बे में रखने वाली हूँ। देखिए खसखस से कितना दानेदार दिख रहा है, और खसखस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सूजी से बनी रेसिपी बन चुकी है। आप ऐसे ही इसे बना के मेज़रमेंट ऐसे ही रख के आप इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, या चाहे ऐसे भी। आगे कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।